नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, शैतान फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल तो उतना कलेक्शन नहीं आ पाया जितना मैंने सोचा था। मैंने क्या, पूरे ट्रेंड ने ये कहा था कि करीब 23 करोड़ से 25 करोड़ का प्रेडिक्शन, मतलब ये मान रहे थे कि डेफिनेटली 23 करोड़ तो करनी ही करनी है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और इसका कारण रहा दोस्तों नाइट शो की थिएटर ऑक्यूपेंसी, नाइट शो ने साथ नहीं दिया। मॉर्निंग शो बहुत अच्छे थे, मॉर्निंग शो की ठीक ठाक थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, 18-19% की थी, और आफ्टरनून शो की भी काफी अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी थी। इवनिंग शो भी बहुत अच्छे गए थे, करीब ऑलमोस्ट 50% के आसपास थे, 49% की थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन नाइट शो 37% पे थे। तो इस कारण से दोस्तों कलेक्शन उतना नहीं आ पाया फिल्म का। और अभी तक जो सेग्नेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार तो करीब 20.50 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया, 20 करोड़ 50 लाख का, जबकि उम्मीद ये थी कि 23 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन फिल्म करेगी डेफिनेटली। मुझे तो 25 करोड़ की उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार से हाउसफुल जा रहे थे शो, तो मैं सोच रहा था कि नाइट शो में भी बहुत अच्छी थिएटर ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन आज वर्किंग डे था तो नाइट शो में थिएटर ऑक्यूपेंसी काफी कम हो गई। और यही कारण रहा कि फिल्म का 20.50 करोड़ का कलेक्शन दिया गया है, लेकिन ये कलेक्शन फाइनल नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी ये सेकंड का है और उससे हमेशा ज्यादा आता है जब प्रोड्यूसर का फिगर आता है। तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि करीब 21.5 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन आएगा। मुझे लगता है कि 21.30 करोड़ से लेकर के 21.50 करोड़ की रेंज में ये कलेक्शन आना चाहिए, जो बहुत अच्छा कहा जाएगा, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन कहा जाएगा। तो पहले भी आपने देखा कि सेकनिल का और इसका जो डाटा है प्रोड्यूसर फिगर का, उसमें 20-30 लाख 40-50 लाख का फर्क रहता है। तो ये रिपोर्टिंग अभी आएगी तो सेकनिल भी अपने डाटा को बढ़ाता है बाद में, तो कोई बात नहीं है। अगर पहले दिन का कलेक्शन 15.21 करोड़ रुपीज था, सेकंड डे 19.18 करोड़, और तीसरे दिन का अगर मैं 20.50 करोड़ भी मानूं तो भी करीब करीब 54.89 करोड़, मतलब 55 करोड़ का कलेक्शन हो गया है, और करीब 10% का ग्रोथ है फिल्म के कलेक्शन में। तो करीब करीब अक्टूबर का फर्स्ट वीकेंड का जो कलेक्शन है वो 55 करोड़ रुपए का शैतान फिल्म ने किया है, और 60 करोड़ फिल्म का बजट है। तो डेफिनेटली फिल्म अपना बजट कवर कर चुकी है फर्स्ट वीकेंड में ही, और इसका 8 करोड़ 2 दिन का ओवरसीज से आ चुका था, मैंने आपको बताया था। ओवरसीज का अगर इसमें ऐड कर दे अपन तो डेफिनेटली फिल्म 70 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, इस समय 70 करोड़ से ऊपर जा चुकी है वर्ल्ड वाइड। अभी तीसरे दिन की रिपोर्ट में आपको अगले वीडियो में दूंगा कि तीसरे दिन वर्ल्ड वाइड ओवरसीज से कितना कलेक्शन आया और कितना ग्रॉस कलेक्शन हो गया है, लेकिन 70 करोड़ से ऊपर फिल्म ऑलरेडी जा चुकी है अपने फर्स्ट वीकेंड में ही, 70 करोड़ से ऊपर। तो ये मैंने ज्यादा जोड़ा नहीं है, 2 दिन का ही मैंने जोड़ा है अभी ये, अगर बाकी अपन जोड़ेंगे और तो फिर और आगे जाएगी फिल्म। तो 70-71 करोड़ आप मानिए अभी फिलहाल की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है। अब बात करें आज की, तो आज वर्किंग डे है पहली बात, तो दूसरी बात दोस्तों रमजान भी शुरू हो रही है, तो एग्जाम भी चल रही है, तो सब कुछ फर्क पड़ेगा आज कलेक्शन में, आपको अभी बता दूं। तो आज एडवांस बुकिंग भी ज्यादा नहीं है, आज करीब जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय करीब 68,000 टिकट्स बिके थे, और करीब दोस्तों 11,900 के आसपास शोज है फिल्म के आज, तो शोज ज्यादा कम नहीं हुए है। और दोस्तों एवरेज टिकट प्राइस भी कम कर दी गई है, आज 200 के करीब एवरेज टिकट प्राइस थी, वो 156 कर दी गई है। ये अच्छी बात है, वर्किंग डेज में एवरेज टिकट प्राइस कम करनी चाहिए। और दोस्तों करीब करीब 1.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी, 1.15 करोड़ की एडवांस बुकिंग थी आज के लिए। तो अगर एडवांस बुकिंग के हिसाब से देखें तो कलेक्शन ज़्यादा नहीं आएगा आज, 6-7 करोड़, मुझे लगता है कि 6-7 करोड़ की रेंज में कलेक्शन आज आएगा। इससे ज़्यादा कलेक्शन आ सकता है, बस आते अगर इवनिंग शो और आफ्टरनून शो अच्छा करे तो फिर ये 8-9 करोड़ भी जा सकता है, लेकिन कम से कम 6-7 करोड़ के आसपास कलेक्शन आज फिल्म करेगी, मुझे अभी तक तो यही लग रहा है प्रेडिक्शन के हिसाब से। बाकी हो सकता है कि और अच्छा करे फिल्म, क्योंकि वर्किंग डे, और मैंने कई कारण बताए आपको कि रमजान, वर्किंग डे, एग्जाम्स, सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस कलेक्शन का कंपेयर कल से नहीं किया जाना चाहिए, अटेस्ट करेंगे कि 20 करोड़ 21 करोड़ से सीधी फिल्म 7-8 करोड़ पे आ गई, अटेस्ट करेंगे, लेकिन और कहेंगे कि कलेक्शन में 60% से ज़्यादा ड्रॉप है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मंडे के कलेक्शन से कंपेयर होती है, तो मंडे को करीब 15 करोड़ का कलेक्शन आया था, सॉरी फ्राइडे से कंपेयर होती है, तो फ्राइडे को करीब 15 करोड़ का कलेक्शन आया था। तो 15 करोड़ का अगर 7.5 करोड़ भी आ जाता है, 7.5-8 करोड़ भी आता है, तो ये नॉमिनल का जाएगा और कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये 7 करोड़ भी अगर अपन 7-8 करोड़ भी अपन कम से कम माने, तो डेफिनेटली फिल्म का कलेक्शन है वो करीब 64-65 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो वीकडेज में अगर ये कलेक्शन चलेगा कोई बात नहीं है, शनिवार रविवार को फिल्म फिर से जंप लेने वाली है, और साथ में एक फिल्म योद्धा आ रही है, उसके साथ किस प्रकार का टकराव होता है, वो कितना करती है बॉक्स ऑफिस पर। बस्तर आ रही है 15 तारीख को, तो उसके बारे में फिर अलग से वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।